सो हेलो एवरी वन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम नया घर देखने जा रहे हैं, क्योंकि नया घर इसलिए हमारा जो पुराना लैंडलॉर्ड है उसने फैमिली को घर दे दिया है। तो ये जो बेसमेंट है ना, वो अब एक फैमिली को जाएगी। तो हमने तो एडवांस पे किया था 2 मंथ का, तो मतलब $800-1600 दे चुके हैं मैं और पीयूष। तो 2 महीने यहाँ रहेंगे, तो उससे पहले हमें घर देखने जाना पड़ेगा। तो अभी मैं राइड बुक करा रहा हूँ लिफ्ट, तो गाड़ी से जाऊँगा घर देखने, न्यू घर, फिर आपको दिखाता हूँ। वो भी घर रिकॉर्ड करूँगा और न्यू लैंडलॉर्ड से मिलवाऊँगा आपको, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल, मिलते हैं। धूप काफ़ी हो गई है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो घर ढूंढना इजी है अगर आप सही स्ट्रेटजी से ढूंढो। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि घर ढूंढने के लिए ना, अकोमोडेशन ढूंढने के लिए आपको ना फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना है उस लोकेलिटी का। जैसे मैं स्कारब्रो रहता हूं, तो यहां पे सबसे बड़ा ग्रुप है वो स्कारब्रो अकोमोडेशन नाम पर है, ठीक है। स्कारब्रो अकोमोडेशन के नाम से है जो सबसे बड़ा ग्रुप है। तो वो फेसबुक ग्रुप पे ना बहुत सारे लोग रेंट पे चढ़ाते हैं, और कोविड का टाइम है, बहुत लोगों को पैसों की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और ये मैंने घर चेंज क्यों करना है, मैंने आपको रीज़न बता दिया। तो मेरी अभी कार आ रही है, तो अगर आप टोरंटो एरिया में आ रहे हो तो अगर आपने लिफ्ट नहीं यूज़ की एप्लीकेशन, वो ज़रूर यूज़ करना। आपको $50 क्रेडिट मिलेंगे। और ऐसा लग रहा है चश्मे ने मुझे पहना है, मैंने चश्मे को नहीं पहना है, लेकिन नेवर माइंड। अभी काम पे भी जाना है, देखो कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। और आप लोग कहते हैं यहाँ पे मज़े, कोई मज़ा नहीं है यहाँ पे, फिर बाद में रोते फिरोगे। यार देखो, सबसे पहले स्ट्रगल कर लो, स्ट्रगल के बाद जब सब सेट हो जाएगा तो डेफिनेटली बाद में मज़े होंगे। तो PR के 1 साल बाद मैं घर ले लूँगा, उससे पहले गाड़ी ले लूँगा जब सब सेट हुआ। अभी ले नहीं रहा, ज़रूरत नहीं है, तो देखते क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मेरी कार पता नहीं कब आएगी मेरी राइड। तो अकोमोडेशन ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना है। सबसे मेन चीज़ वो है कि GG पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, और ऐसे किसी को पैसे मत दे देना, क्योंकि अगर आपने किसी को ऐसे ही पैसे दे दिए तो आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया की लाइफ ऐसी है जहाँ पर तो लोग ही अपने आप को इतना अच्छा निखार के रखते हैं सोशल मीडिया पे, तो घर क्या चीज़ है। घर आपको बड़ा बड़ा दिखेगा लेकिन होगा वो छोटा सा, फिर बाद में आपका दिल टूट जाएगा, फिर आपको उसमें गुजारा करना पड़ेगा। बस अब मैं वेट कर रहा हूँ कब आए मेरी कार, चलो देखते हैं। और बाय द वे, वीडियो को लाइक बहुत कर रहे हो आप लोग, बहुत पसंद कर रहे हो, ज़्यादा पसंद आ गया आप लोगों को, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट हूँ। इसलिए देखो, मैं इसको भी एक तरह की जॉब ही समझता हूँ, आप लोगों को नॉलेज शेयर करने की, ये एक तरह की जॉब ही है मेरे लिए। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जितनी मर्जी मेहनत लगे, टॉपिक कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। जिसने कुछ करना होता है ना, वो टॉपिक बना ही लेता है, और बाकी कहते हैं यार बिजी है होते हैं इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाते। ये इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़, जो टॉप प्रायोरिटी पे है तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। कई बार नहीं मिलता टाइम, वो तो समझ सकते हो, लेकिन मैंने अपने आप से ये मतलब प्रॉमिस किया कि बनाओ डेली, जो मर्जी हो, कितनी मुश्किलें आ जाएंगी, 15-20 मिनट ही तो निकालने हैं, और उसमें कौन सा मैंने ज़्यादा एडिटिंग करनी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं कार का वेट कर रहा हूँ।
ठीक है बेसमेंट ये मतलब पूरा 800 में है ना, यूटिलिटीज इंक्लूडेड है इसमें? हाँ। ओके, तो यहाँ पे मैट्रेस आ जाएंगे, बाकी ये ड्रॉअर है कपड़े रखने के लिए। ठीक है ठीक है। आप लोगों के पास फर्नीचर मैट्रेस तो है ना? नहीं अभी लेना है, लेना है। हाँ ले लूंगा। ठीक है, लाइटनिंग रखे, लाइट जलाने और अभी बुझाने की मतलब एक ही मतलब सुबह सुबह तो यही चीज है। आप लाइक 80 तो समर में तो 8 o'clock तक आपको लाइट भी ऑन करना पड़ता है। ओके, हाँ जला दीजिए लाइट। ये किचन है ना? ओवन ये चलता है ना? चलता है। ठीक, मेरे कुक नहीं का पर पहले वाले जो रहते थे वो कुक करते थे। यहाँ पर कुक नहीं किया मैंने। अच्छा, ये फ्रिज है पूरी खाली है। अभी तो कोई नहीं है ना यहाँ पे? नहीं अभी तो कोई भी नहीं है। ओके, पर एक दो लोग देख कर भी गए। हाँ क्या कहते हो? ये भी बढ़िया है। क्या कहते वो लोग? नहीं वो लोग मेरे कॉल बैक नहीं किया ना। मैं देख रही हूँ दो चार लोगों को। हाँ जी हाँ जी, किसको रख लूँ? हाँ जी हाँ जी, मैंने किसी को भी कॉल बैक नहीं किया। ये मतलब सामान रखने का वार्डरोब? ये मेरा स्टोर है। ये आपका है? यहाँ से लाइक मैं यहाँ पर लाइक कोई फ्लैट वाला आ जाए तो मैं यहाँ पर एक दरवाजा रख दूंगी। हाँ हाँ हाँ। तो ये किचन वॉशरूम और ये दो रूम। हाँ हाँ हाँ, मैं इतना ही दे रही हूँ रेंट में। ओके ओके, वो आगे वाला पोर्शन ये वाला गेस्ट के लिए है, ये मेरा है। ओके ओके, अभी मुझे तो कभी नीचे आती नहीं हूँ। हाँ, मुझे जरूरत पड़े तो मैं यूज कर लूंगी। हाँ, 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 हाँ। इसलिए मुझे रखना है क्योंकि मुझे इनफ रूम नहीं है। कभी कभी एक महीने के लिए लाइक मैं नेपाल से हूँ। हाँ, हाँ। लोग आ जाते हैं ना, हाँ, सो हमें देना पड़ता है इसलिए। पर यहाँ पर मैं रूम बना रही हूँ, लाइक ऐसे ही नहीं दे रही हूँ, एक रूम बना रही हूँ। ओके, ऑर्डर किया है वो दरवाजा लगाते हैं। ओके गॉट इट, तो यही है एक, ये है दो रूम है। वैसे 2 BHK का क्या प्राइस है? 1200 डॉलर्स। ठीक है, 2 BHK का अगर पूरा लेते हैं। अगर 2000 रह के रहेंगे तो मुझे यूटिलिटी भी कम आएगी ना। हाँ हाँ, सो 1200 है। अगर 4 रहेंगे तो इसकी ज्यादा लगेगी। ओके ओके ओके, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप लोगों को पूरा लेना है तो ले लो, लाइक 6600 का पड़ेगा। अच्छा, ये है, ये ड्रायर है, वो वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन है। यहाँ पे कोई टाइम होता है क्या इनका? मतलब ये ड्राइव वीकेंड में करते हैं हम लोग, वीकेंड में करते हैं। ठीक है, मैं वीकेंड पे ही करूंगा फिर। वीकेंड में करते हैं, अगर आपको जरूरत पड़े तो 7 बजे के शाम के बाद मुझे बता देना, मैं लॉक खोल दूंगी। okay. या अभी मैं लॉन्ड्री कर रही हूँ इसलिए खुला रखा है। सो ये है किचन, ठीक है, 2 BHK इक्वल टू ये मैट्रेस बाहर जाएगा? अच्छा, यूज कर सकते हैं ना? यूज कर सकते हैं आप लोग। बेड बॉक्स ना हो बस इसमें? नहीं नहीं, बेड बॉक्स नहीं, बेड बॉक्स तो मुझे पता नहीं, ये मेरे मेरा नया मैट्रेस था, मैंने गेस्ट के लिए लिया था। ओके, तो इसलिए यही पड़ा हुआ है। ये ड्रॉअर है, पर्सनल मिल जाएगा ज्यादा बेटर है। मैं वो देख रहा था 1200 में पूरी ये बेसमेंट है ना, एक मैट्रेस भी लेना पड़ेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्थ था कि नहीं, शायद मेरी राइड आ गई है। जिसका डर था वही हुआ। मैंने आपको बोला था ना कि जो दिखता है वो रियल में होता नहीं है, तो आप देख सकते हो वो आंटी जी $1200 में पूरी बेसमेंट दे रही थी, लेकिन वो वर्थ नहीं है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, स्क्रैचेस पड़े हुए हैं और हमें खुद का अपना मैट्रेस लेना पड़ेगा। और सेकेंड चीज़ है, खुद का मैट्रेस लेने के बाद जब हम खुद का मैट्रेस बाय कर लेंगे उसके बाद क्या होगा कि अलग, मैं तो पीयूष उसमें रहूँगा लेकिन $600 पर मंथ, इससे अच्छा मैं अपार्टमेंट में रह लूँ। अपार्टमेंट में 500 या $600 में इतना शानदार अपार्टमेंट मिलता है ना, 2 BHK, जिसका कहने की हद नहीं है। वो अपार्टमेंट का इतना ज़्यादा बेनिफिट है आपको क्या मैं बताऊँ। तो मेरे हिसाब से अपार्टमेंट ज़्यादा बेटर है, तो मैं अपार्टमेंट देखूँगा। तो होम सर्च मेरी जारी रहेगी, तो लैंडलॉर्ड ने तो अभी 2 महीने का नोटिस दिया, तो मैंने मूव होना है मार्च या अप्रैल को, तो ये जर्नी चलती रहेगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं ढूंढूंगा और कहां से ढूंढूंगा, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, मैं अपना रूम ढूंढ रहा हूं मेरा और पीयूष का, तो बने रहिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कैसे हम बात करते हैं। सबसे पहले ना, लैंडलॉर्ड जो भी दिखाए वो हमेशा बढ़ाई करेगा, क्योंकि कोई भी चीज़
बेचता है, वो उसकी हमेशा कहता है पॉजिटिव, मेरे पास ये है, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन इन द एंड बात ये आती है भाई आप $1200 ले रहे हो, सीरियसली वो $1200 का है और उसका अभी दरवाज़ा भी नहीं लगा, और आप देख रहे हो वॉशिंग मशीन कैसी है सारी, वो भी यूज़ करेंगे, हम भी यूज़ करेंगे, इससे अच्छा $600 में अपार्टमेंट आते हैं, मैं आपको अच्छे अच्छे अपार्टमेंट दिखाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लव यू ऑल। और इसी के साथ टेक्निकल गुरु जी के जैसे चलिए बंद करते हैं चलिए ख़त्म करते हैं, ठीक है, आई लव यू ऑल यार, दिल से सैल्यूट है आपको, इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो देखी यार, जिगरा चाहिए ना मुझे देखने का, मैं कौन से यहाँ पे लड़की लुड़की हूँ, कोई लड़की ब्लॉगिंग करती ना हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, तो सारे देखते हैं लॉन्ग टर्म, इंक्लूडिंग मैं भी देखता हूँ यार, आप लोगों की गलती नहीं है, ठीक है, सभी देखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, इसी के साथ चलते हैं काम पर, बाय।